युवा साथियों, रीट पात्रता परीक्षा को लेकर लगातार कॉल और मैसेज मिल रहा है। सीईटी में ज़्यादा से ज़्यादा पास करने को लेकर, सीईटी पात्रता को लेकर, परीक्षा को लेकर, और 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियों की ज्वाइनिंग जल्द हो और 1 लाख नई भर्तियों की विज्ञप्तियां विभाग वाइज वर्गीकरण होकर और जारी हो। साथियों, लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी है और 7 जून को शिक्षा मंत्री जी ने खुद ने कहा था कि हर साल रीट परीक्षा होगी, यानी कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के युवा बेरोजगार महासम्मेलन में मंत्री जी ने बोला। 28 जून को मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देकर मांग की थी और 28 जून को मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप राठौर जी के सामने भी ये मांग मजबूती से रखी है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, घर से निकलकर धरातल पाकर सड़कों पर कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों, आपने देखा होगा, मैंने ऐलान किया था कि 12 जनवरी को नया अध्यक्ष बनेगा राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का। और इससे पहले मैं 3-4 मूल उद्देश्य लक्ष्यों को लेकर चल रहा था कि एक तो पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने, और उसकी पहल शुरू हो चुकी है। सरकार ने हमारी मांग मान ली है, उम्र कैद की सजा का कानून लाने की हमारी एक बड़ी मांग, जो हमारे संघर्ष की ऐतिहासिक जीत है। पूरे राजस्थान को पता है कि 12 मार्च को सीएम से मिला था और हमारी सहमति बनी थी, और मैंने वो फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब जगह मैंने डाला था कि सहमति बनी है और कानून आएगा। लेकिन इस पे थोड़ा सा संशोधन की हम मांग कर रहे हैं कि एक तो संपत्ति अटैच की जाए आरोपी की, इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, क्योंकि जल्द से जल्द सुनवाई होकर उसको उम्र कैद की सजा हो। इसके अलावा 1 लाख भर्तियों का विभाग वाइज वर्गीकरण हो और उनका भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो कि कौन से विभाग में कितने पदों पर भर्ती आएगी, कब उनकी एग्जाम होगी, उनका कैलेंडर जारी हो सभी भर्तियों का, 1 लाख भर्तियों का। सीईटी पात्रता परीक्षा हो, रीट पात्रता परीक्षा हो, कल भी मैं सीएमओ के अधिकारियों से इन तमाम मांगों को लेकर मुलाकात करने वाला हूं। और एक कमेटी का गठन हो जिसमें कोई भी बेरोजगार अपनी बात रख सके। हालांकि 2 बार पहले सहमति बनी थी, माननीय मुख्यमंत्री